नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। खुलासा महा फर्जीवाड़े का एपिसोड 2। ये घटना 15 अगस्त 1917 की है, जब ग्राम सभा एचओई के पूर्व में स्थित शेषधर दुबे की स्कूल में झंडारोहण करने के बाद कुचेरा बाजार में स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आईटीआई कॉलेज में आयोजित झंडारोहण तथा संगोष्ठी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे, राष्ट्रीय संगठन युवक कांग्रेस के बड़े और महत्वपूर्ण पदों पर रहे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि धर्म की नगरी अयोध्या में शिक्षा के नाम पर अधर्म का कारोबार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बिना परीक्षा में सम्मिलित हुए लाखों रुपए लेकर छात्रों को फर्जी तरीके से डिग्रियां दी जाती हैं। शीघ्र ही मुझे अवध विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से बेहद चौंकाने वाली अनुमोदित शिक्षकों की सूची प्राप्त हुई, जिसके अनुसार एक शिक्षक के अनुमोदन के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामित एक सदस्य और कम से कम 2 अन्य विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ शिक्षक बैठकर महाविद्यालय प्रबंधक कमेटी द्वारा भेजे गए 3 नामों के पैनल पर विचार विमर्श और गुणवत्ता विश्लेषण के बाद अनुमोदन की स्वीकृति देते बगैर किसी प्रक्रिया का पालन किए अध्यापकों का अनुमोदन कर दिया गया। अमावा सूफी थाना खंडासा जनपद अयोध्या के साले, जिनका वास्तविक नाम श्री चंद्र है, उनका नाम बदलकर श्रीनाथ बनाकर उनको भी अनुमोदित शिक्षक बना दिया गया, जबकि वास्तविकता यह है कि वह दिल्ली में सरकारी नौकरी करते हैं। उनके शैक्षिक प्रपत्र को तैयार कर लेना शिक्षा माफिया का रोजाना का व्यापार बन गया है। इसे नटवर लाल का पितामह कहना अनुचित नहीं होगा। अपनी जिंदगी में विद्यालय की शुरुआत करते समय बहुत कम खतौनी थी, कूट रचित तरीके से खतौनी तैयार किया, तमाम अन्य प्रपत्र जो मान्यता में लगाए जाते हैं उनको तैयार किया, फिर गांव वालों पर मुकदमे का भय दिखाकर कौड़ियों के भाव उनकी जमीन खरीदी। कई साल तक महाविद्यालय जमीन के चलते, क्योंकि विश्वविद्यालय की बड़ी कृपा थी, पर बदले में विश्वविद्यालय एक मोटी रकम मिल जाती थी। विरोध करने पर उन पर हमला किया गया। राजेश उपाध्याय नामक स्वतंत्र पत्रकार ने विरोध किया, उनके ऊपर जानलेवा हमला कराया गया। जो मुकदमे से डर सकता था उसे मुकदमे से डरवाया गया, जो पैसे से बिक सकता था उसे पैसे से खरीदा गया, और जो मारपीट से घबरा सकता था उस पर हमला करवाया गया। अधिकारियों और थाना अध्यक्ष खंडासा की कृपा से प्राप्त कर उत्तर प्रदेश का इकलौता थाना गंडासा ऐसा है जहां नारा दिया जाता है, न खाता न बही, जो माफिया प्रदेश कहे वही सही। अवधेश शुक्ला की जैसे लंका का राजा कोई भी हो, रानी मंदोदरी को ही होना है, यही कि यहाँ सटीक बैठती है। माफिया पर सरकारों की भी मेहरबानी है, अत्यधिक रही है। पहले जो कभी सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रमों से दूर रहा करता था, जैसे मैंने इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया, संघ परिवार की भी पवारा हो गई। महीने में 2 बार विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और अन्य सहयोगी संगठनों को अपना कार्यक्रम करने के लिए एक अच्छा बजट मिल जाता है। जल पान भोजन का उत्तम प्रबंध मुफ्त में मिलने लगा, क्योंकि माफिया पर जांच का शिकन कसा जा चुका था। उसके लिए माफिया का विद्यालय काशी और कैलाश बन गया। संभवतः गोरखनाथ इस बात को जानता था कि वो जनता का विश्वास खो चुका है। कम से कम अपनी कमाई और दाल रोटी के लिए एक फर्जी ही सही, काली जी की काली कमाई उसकी मदद कर सकती है। फिर दोनों में खूब बनने लगी घात प्रतिघात, विश्वासघात, ताड़ना प्रताड़ना, जुल्म अत्याचार, सितम चाहे जितना हो जाए, मेरा पूरा खानदान शहादत और कुर्बानी के लिए तैयार है। अवध विश्वविद्यालय घोषित नहीं हो जाता, और ये माफिया जो शिक्षा के नाम पर फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे हैं, जेल की सलाखों के भीतर नहीं पहुंच जाते तब तक मैं खामोश नहीं बैठूंगा। मुझे खामोश करने का एकमात्र तरीका है माफिया और उसके मददगार मिलकर, विशेषकर गोरखनाथ और वो पुलिस अधिकारी जो माफिया की मदद में सारे कानून कायदों को ताक पर रखकर मदद के लिए उत्साह के साथ खड़े हैं, मेरी हत्या करा दें। लाइव टीवी समाचार से नफीस खान की खास रिपोर्ट। जब मैंने बिना परीक्षा में सम्मिलित हुए उत्तीर्ण कराने का खेल करने वालों की जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी चाहिए तो पहले जानकारी नहीं उपलब्ध कराई गई। विश्वविद्यालय ये कहकर टाल मटोल करता रहा कि संबंधित सूचना आप परीक्षा केंद्र से प्राप्त करें। मैंने परीक्षा केंद्र से पत्राचार किया, उन्होंने कहा हम स्ववित्त पोषित महाविद्यालय हैं, हम सूचना अधिकार से आरक्षित नहीं हैं। फिर मैंने विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रक उमा नाथ से कहा देने के लिए, तो उन्होंने दोबारा कहा, मैंने रिमाइंडर डाला, फिर उन्होंने परीक्षा केंद्र पर टाल दिया। बड़ी कृपा बहुत मेहरबानी किया परीक्षा केंद्र ने कि बाद में मुझे 12 दिसंबर सन 2019 को सूचना उपलब्ध करा दी जरिए पंजीकृत डाक। सूचना प्राप्त हो गई, पत्र मुझे रजिस्टर डाक रजिस्ट्री बाद में मिली, और सूचना देने के प्रपत्र और इसकी जानकारी परीक्षा नियंत्रक ने शिक्षा माफिया अवधेश को पहले दे दी। अवधेश ने अपने साले नंद कुमार
एक और मेरे रिश्तेदार को भी साथ में अश्विनी शुक्ला को भी भेजा, इंद्रभांग को भी भेजा, उनके भाई के साले का दामाद है, एक और हमारे शुभचिंतक आए। लोगों ने सुलह समझौते की बात की, मैंने कहा समझौता किस बात का है, जहाँ बच्चों का, नौजवानों का, छात्रों का भविष्य बिगाड़ा जाता हो, मैं छात्र राजनीति से की पृष्ठभूमि से हूँ, मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। हम हाई स्कूल में हम यूपी टॉपर लिस्ट में रहे, एयरफोर्स की नौकरी मैंने छोड़ा, हाई कोर्ट में नौकरी मिल गई थी, आज भी वो जो मैंने क्वालिफाई किया था इम्तहान उसका कॉल लेटर आज भी उपलब्ध है। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जो भी जांच एजेंसी चाहे मैं देने प्रस्तुत करने को तैयार हूँ। जब मैंने इतने त्याग करने के बाद किस देश में अच्छी प्रजाति के लोग, अच्छी सोच के लोगों को भी राजनीति करना चाहिए, ताकि माफिया, गुंडे, मवाली, अपराधी राजनीति में स्थान न बना सके। एक दौर था जो चरित्रधर्मी लोगों का बोलबाला था इस प्रदेश में, देश में, उन्हीं के उंगलियां पकड़कर हमने राजनीति सीखी थी। मैं कैसे सहन कर सकता हूँ, मैंने समझौते से इनकार कर दिया। 15 दिसंबर सन 2019 को खंडासा थाना, जहाँ ज़्यादातर मुकदमे मेरे खिलाफ लिखे गए, वहाँ एक दरोगा बीटी पांडे इलाहाबाद के रहने वाले, उनसे शिक्षा माफिया ने फ़ोन करवाया, यशो उस समय बैठा था सुनील, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जब चाहे कोई जांच एजेंसी प्रस्तुत करने को तैयार। उन्होंने कहा, देश के सम्मानित अधिवक्ता मित्रों, प्रबुद्ध भाइयों, भाइयों, बहनों, देवियों और सज्जनों, यह घटना 15 अगस्त सन 2017 की है, जब मैं अयोध्या जनपद के कुचेरा बाजार में स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आईटीआई महाविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मेहमान खुसूसी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने गया था। एक उत्साही सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में 2 से 3 लाख रुपए शिक्षा माफियाओं से लेकर फर्जी और कूटरती शैक्षिक प्रपत्रों को तैयार करके शिक्षकों की फर्जी तरीके से नियुक्तियां की जा रही, अनुमोदन किया जा रहा है। मुझे पहली बात यकीन नहीं हुआ, लेकिन शीघ्र ही मैंने बातों को उसकी गंभीरता से लिया था। जब मैंने इस दिशा में पत्राचार प्रारंभ किया कुलपति को, और कुछ साक्ष्य शीघ्र ही मुझे प्राप्त हो गए, मैं देखकर हैरान और स्तब्ध रहा कि कुछ लोगों को व्यक्तिगत रूप से, उनके शैक्षिक जीवन से, उनकी शैक्षिक यात्रा से मैं परिचित हूँ, जो मुश्किल से हाई स्कूल इंटरमीडिएट हैं, पड़ोस के रहने वाले हैं, और उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति ने, कुलसचिव ने, शिक्षा माफिया से पैसे लेकर के कई करोड़ रुपए का अनुचित लाभ लेकर उन्होंने शिक्षक के रूप में अनुमोदित कर दिया था। जिस व्यक्ति ने जानकारी दी वो हमारे बीच नहीं रहा, उसकी परिस्थिति ऐसी जिसका खुलासा